नमस्कार, मैं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। बीए भाग द्वितीय वर्ष की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का अपना प्रकरण है द्वितीयकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। द्वितीयकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई। उस समय के राज दरबारी कवि से स्वांत सुखाय की रचना की आशा नहीं की जा सकती है। प्रदर्शन प्रवृत्ति प्रधान युग का कवि भक्तिकालीन कवि में साहित्य संबंधी आदर्शों संतन को कहा सीकरी सो काम तथा प्राकृत जन किन्हे गुण गाना को सर्वथा छोड़कर स्वामी मन सतोष की छोटी सी तलैया की वासनात्मक तथा संकीर्ण लहरियों में आकंठ निमग्न हो बेसुध बह गया। उसकी वाणी में सूर और तुलसी जैसी तन्मयता, सात्विकता और उदात्त चेतना बिल्कुल भी नहीं थी। ऋतिकालीन कवि की समस्त अंतस चेतना सूरा सुंदरी और सुराही के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। दरबारी वेश्याओं तथा रक्षिताओं के मणि मंजर की मधुर ध्वनि को छोड़कर वह विशाल जन कोलाहल को सुनने के लिए कभी भी बाहर नहीं निकला। भाव सौंदर्य की अपेक्षा उसे रूप सौंदर्य अधिक आकर्षित करता रहा। ऋतिकालीन कवि ने अपनी समस्त शक्ति नारी शरीर के चित्रण में ही लगा दी। उसकी अंतरात्मा तक वह कभी जा ही नहीं सका। ऋति कवि की इस प्रवृत्ति का प्रधान कारण उस समय का घुटनशील वातावरण कहा जा सकता है। विदेशी प्रभु सत्ता के सामने देसी रजवाड़े नतमस्तक होकर हतप्रभ हो चुके थे। सत्तागत तेज के हत हो जाने के कारण उस समय का नरेश वर्ग उस कमी की पूर्ति के लिए कृत्रिम वैभव और ऐश्वर्य के उपकरणों के भोग द्वारा अपना गम गलत करना चाहता था। जब मन की गांठ बाहर नहीं खुल पाई तो वह नारी शरीर में चतुर्दिक केंद्रित हो गई और ऋतिकालीन कवि नारी शरीर के महीन से महीन चित्र उतार कर क्षतिपूर्ति के साधन जुटाने लगा। फलतः उस समय में श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया। इस रसिकता की अभिव्यक्ति उस काल के कवि ने सर्वत्र रीति के परिवेश में ही की। विद्यार्थियों, रीति काल की विशेषताएं अपन देख रहे हैं। साहित्यकार और उसके साहित्य पर काल विशेष की परिस्थितियों का विशेष ही प्रभाव पड़ता है। रीतिकाल में भी हिंदी साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। परिस्थिति से प्रेरित और पुष्ट होकर जो भी प्रवृत्तियां सामने आई उनमें आचार्यत्व, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता आदि मुख्य हैं। ऋतिकालीन साहित्य की सृष्टि अपन ने देख चुका है कि सामंती वातावरण में हुई और उसमें के जो तत्कालीन राज दरबारी कवि थे उन्होंने स्वांत सुखाय काव्य रचना की अपेक्षा उनसे की ही नहीं जा सकती। स्वामी को प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक रही तो उन्होंने स्वामी सुखाय प्रवृत्ति को ही विशेष प्रधानता दी। श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान उसमें रसिकता ने ले ही लिया था। तो पहली प्रवृत्ति के रूप में अपन देखेंगे श्रृंगारिकता की भावना। ऋतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति ऋति कवियों में कवियों की जो कविता है उसका प्राण मानी गई है। इस समय का भौतिक वातावरण भी श्रृंगारिक मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल था। श्रृंगार प्रकरचनाएं भक्ति काल में भी होने लगी थी। कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में भी रसिक भाव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, परंतु ऋतिकाल में तो कवियों ने उन्मुक्त भाव से सरिता सागर श्रृंगार सरिता में गोते लगाए हैं। श्रृंगार वर्णन ऋति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इसमें नायक नायिका भेद, नैक्षिक वर्णन, अलंकार आदि के लक्षण प्रस्तुत करते समय भी उन्होंने श्रृंगार का ही प्रतिपादन एक प्रकार से किया है। इस प्रकार ऋतिकालीन काव्य की विशेषताओं में पहली विशेषता श्रृंगारिकता की
प्रधानता रही है। दूसरी विशेषता होगी आचार्यता का प्रदर्शन। इस काल के कवियों में श्रृंगारिकता के बाद जो प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती है वह है आचार्यत्व का प्रदर्शन। रीति काल में कवि कर्म और आचार्य क्रम एक साथ चलते रहे। इस काल के लगभग सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। यद्यपि अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों के नाम पर संस्कृत साहित्य शास्त्र का ही अनुवाद सा किया है। कवि कर्म के लिए भावुक हृदय और कोमल भावना का होना आवश्यक है और आचार्य कर्म के लिए बुद्धि की परिपक्वता और विवेचन शक्ति की आवश्यकता रहती है। कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर परिपाटी का पालन ही कवि करते रहे, आचार्य कर्म में वो सफल नहीं हो पाए। इस प्रकार दूसरी विशेषता रही आचार्यत्व का प्रदर्शन। विद्यार्थियों, रीतिकाल की तीसरी विशेषता के रूप में अपन लेंगे आलंकारिकता। वह युग ही प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान था, इसलिए कवियों ने भी अपनी कविता में उक्ति चमत्कार द्वारा अपने आश्रयदाताओं और श्रोताओं को रिझाना था। वातावरण ही ऐसा था कि अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में उस समय के कवि को आदर मिलना एक प्रकार से कठिन हो गया था। इसलिए कवि को कविता कामिनी को अलंकार के सांचे में ढालना आवश्यक था। उस काल में शब्दालंकारों में यमक, अनुप्रास और श्लेष का प्रयोग कविता में चमत्कार लाने के लिए खूब हुआ। बिहारी में तो यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। विरोधाभास और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग तो रीति मुक्त कवि घनानंद ने भी किया है। इस प्रकार रीतिकालीन कवि की तीसरी विशेषता अलंकारिकता। तो पहली विशेषता अपन देख चुके हैं श्रृंगारिकता की भावना, दूसरी देख चुके हैं आचार्यत्व का प्रदर्शन, तीसरी देख चुके हैं अलंकारिकता। चौथी प्रवृत्ति के रूप में आती है ब्रजभाषा की प्रधानता। प्रकृति से मधुर और सरस होने के कारण रीतिकाल के काव्य में ब्रजभाषा की प्रधानता दिखाई देती है। ब्रजभाषा का सहज, सरल, कोमल और परिष्कृत रूप रीतिकाव्य में हमें देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य में संस्कृत के बाद ब्रजभाषा का स्थान प्रमुख है। प्रकृति से मधुर होने के कारण और कोमल रसों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। इस काल में कवियों ने ब्रजभाषा के साथ अवधी, बुंदेलखंडी और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया है। ब्रजभाषा के माधुर्य का ही परिणाम था कि उस काल के मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया। इस प्रकार रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा थी वो एक प्रकार से ब्रजभाषा थी। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यह जो काल है वो ब्रजभाषा का स्वर्णिम काल था, क्योंकि ब्रजभाषा परिष्कृत रूप में सामने आई थी। अगली विशेषता होगी वीर काव्य। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति ही कवियों में अधिक थी, तथापि गौण रूप से वीरता परक रचनाएं भी इस काल में रची गई। विशेष रूप से औरंगजेब की धर्मांधता, कट्टरता, असहिष्णुता ने हिंदुओं की सुषुप्त वीरता को जगाने का कार्य किया। परिणाम स्वरूप अनेक राजा प्रतिकार के लिए खड़े हो गए थे और अनेक कवियों ने वीर रसपूर्ण काव्य रचना कर लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। इनमें भूषण, सूदन, पद्मागर आदि प्रमुख कवि हैं जिन्होंने वीरता परक काव्य की रचना की थी। हालांकि वीर काव्य गौण रूप में ही रचा गया, लेकिन फिर भी भूषण, सूदन और पद्माकर ने वीर काव्य भी रचा। अगली विशेषता है भक्ति और नीति। रीति काव्य में जहां श्रृंगार की प्रधानता, आचार्यत्व का प्रदर्शन और चमत्कार हेतु अलंकारों के प्रति मोह रहा, वहीं नीति और भक्ति के पद भी रचे गए। वैसे लगभग प्रत्येक कवि ने मंगलाचरणों में अथवा ग्रंथों की परिसमाप्ति पर आशीर्वचनों में भक्ति संबंधी पद रचे हैं। इस काल के कवि ने भक्ति संबंधी पद लिखते समय भी श्रृंगारिकता का ही सहारा अधिक लिया। कवियों का ध्येय होता था आश्रयदाताओं को रिझाना। यदि आश्रयदाता कविता से प्रसन्न नहीं हुआ तो
कविता के बहाने राधा कृष्ण का सुमिरन हो जाता था। जैसे रिजी है सुकवि तो जानो कविताई, ने तो राधिका कन्हाई, राधिका सुमिरन को बहानो है। तो इस कवि काल के कविता के बहाने राधा कृष्ण का सुमिरन वो लोग इस प्रकार से ही करते थे, रिजी है सुकवि तो जानो कविताई, ने तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। नीति संबंधी पद शतक ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वैसे उस युग के कवियों की नीति और भक्ति की प्रवृत्ति के विषय में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है, भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। इसलिए उस युग के नीति संबंधी अन्योक्ति परक छंदों में कवियों के व्यक्तिक अनुभवों की छाप है वो दिखाई देती है। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति निरूपण भी मिलता है। ऋतु वर्णन के साथ प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में अधिक दिखाई देता है। संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में प्रकृति को महत्व दिया गया है। इस युग में मुक्तक काव्य अधिक लिखा गया है। रीतिकालीन काव्य में या रीतिकालीन युग में मुक्तक अधिक लिखा गया क्योंकि कवि राजदरबारी वातावरण से घिरा हुआ था, उसे चमत्कार पैदा कर वाह वाह लूटनी थी, इसलिए मुक्तक काव्य शैली उसे अधिक उपयुक्त जान पड़ी। इसलिए उन्होंने मुक्तकों का प्रयोग किया या मुक्तकों को अपनाया। कवित सवैया दोहा में रचित रीतिकाव्य मुक्तक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। रीतिकाल में कवियों की रुचि नारी चित्रण में अधिक रही। इस काल में कवि को नारी का मात्र रूप या देवी रूप का ध्यान ही नहीं रहा, इन्होंने नारी का एक प्रकार से अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन ही किया है। इस प्रकार से अपन ने ये देखा कि रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका उन पर परिस्थितियों का रीतिकालीन परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा, उसके परिणाम स्वरूप रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां उभर कर आई, उनमें आचार्यत्व, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता आदि मुख्य हैं। धन्यवाद।